वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में आपने देखा हम गए थे टोबरमोरी, जहां हमने विजिट किया क्रूज शिप में। हमने देखा फ्लावर पॉट आइलैंड और साथ ही साथ हमने देखा द लॉयंस हेड लुकआउट। आज की जो वीडियो होगी वो होगी स्पेशली अबाउट द ब्लू माउंटेन, जहाँ की हम केबल ट्रेन लेके टॉप पर जाएंगे, जहाँ से कि मैं आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा। यह था हमारा होटल जो कि टोबरमोरी से लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव पर कॉलिंगवुड में मौजूद है। कॉलिंगवुड जो है वो ब्लू माउंटेन से लगभग 10 मिनट की ड्राइव में है, और इसी के साथ ही लगता है वसागा बीच। तो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा द ब्लू माउंटेन्स के बारे में व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो 15 मिनट्स की ड्राइव करके वी हैव रीच्ड ब्लू माउंटेन्स। यहाँ पर पार्किंग फ्री मिलेगी आपको, कुछ पार्किंग स्पॉट्स हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे, बट आई सजेस्ट दैट यू शुड पार्क इन अ फ्री पार्किंग। तो ये वो स्पॉट है जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, और आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं ब्लू माउंटेन्स विलेज, और साथ ही साथ हम करेंगे जिप लाइन जिसमें कि आपको टॉप से व्यू देखने को मिलेगा। सो जस्ट लेट्स गो। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ आपसे पासिस की, जिसके थ्रू कि आप ब्लू माउंटेन्स के ऊपर जो कि जिप लाइन है, जिसे कि यहाँ पर ये लोग गंडोला कहते हैं, उसके ऊपर जा सकते हो और वहाँ का ऊपर का व्यू पूरा एंजॉय कर सकते हो।
उस पास में इंक्लूड भी आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। उस पास की कीमत है $39 विद टैक्स लाइक 42 या $43 आपको पड़ेगा, जिसमें कि आपको जिप लाइन के थ्रू ऊपर जाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ एक प्राइवेट बीच है जो कि ब्लू माउंटेन्स का, जिसे कि आप मैप्स पे सर्च कर सकते हो, वो इसमें इंक्लूड है। और एक और दो जो कि पार्क्स हैं जो कि ब्लू माउंटेन्स के ऊपर टॉप में ही हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग पासिस हैं यहाँ पर, कुछ पासिस में जो कि $86 के पास हैं, उनमें यहाँ पर राइड्स हैं थोड़ी सी रोलर कोस्टर की और थोड़ी सी और एक्टिविटीज इंक्लूड हैं। सो आपके बजट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका बजट है, आप उस तरह से अपने पास को इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थी गंडोला जिप लाइन जो कि आपको ब्लू माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप पे ला सकती है। ब्लू माउंटेन्स में एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, अगर आप विंटर्स में आओ तो आप यहाँ पर स्केटिंग कर सकते हो, जो कि ये पूरा एरिया है, हिली एरिया है, पूरी तरह से स्नो से कवर होता है और यहाँ पर आप स्केटिंग भी कर सकते हो। ब्लू माउंटेन्स के टॉप पर आकर आपको यहाँ पर ट्रेल्स देखने को मिलती हैं, यहाँ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत व्यू है, तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ पूरा व्यू। सो
सो ब्लू माउंटेन से निकल के अब हम आ गए हैं ब्लू माउंटेन्स प्राइवेट बीच क्लब। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर ये बीच बना रखा हुआ है। छोटा सा बीच है जहाँ की आपको एक्टिविटीज़ करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये आपके पास में ही इंक्लूडेड है जो कि हमने $40 का पास लिया था। और ये बता दूँ ये सिर्फ आपसे ब्लू माउंटेन से लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर ही मौजूद है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी अभी हमें स्टाफ ने बताया कि आप यहाँ पर आपके बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर गेम्स भी है जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग, और आप यहाँ पर सनसेट भी देख सकते हो। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बीच का नज़ारा और हम भी करेंगे बोटिंग। सो लेट्स गो। तो भाई ये थी वीडियो यहाँ के बीच की। आपने देखा होगा कि कपड़े भी चेंज हो रखे हैं। तो एक्चुअली में बात ये थी कि हमने की थी बोटिंग प्लस स्विमिंग, तो वहाँ पर कैमरा ले जाना सेफ़ नहीं था क्योंकि पानी था। हमने ट्राई किया बोटिंग करने का, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर आपको बोट्स मिल जाएंगी जिसमें कि आप दूर दूर तक जा सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि पानी यहाँ का गहरा नहीं है। इन्होंने क्या किया हुआ है, कोस्ट लाइन बना रखी है जहाँ तक कि आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा स्विमिंग करने का भी, और सब कुछ लाइफ जैकेट्स भी यहाँ पर मौजूद है। यार मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ब्लू माउंटेन्स आ रहे हो तो आप ये $40 वाला पास जरूर लो, जिसमें कि आपको टॉप का व्यू भी देखने को मिलेगा ब्लू माउंटेन्स का, और साथ ही साथ में बीच के नज़ारे भी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब हो चुके हैं शाम के 6:30। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू ब्रैम्पटन। 2.5 घंटे की ड्राइव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग।